दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत जारी है और लोगों को टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 134 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, साथ ही हरियाणा सरकार को इसके फ्लो को आसान बनाने को कहा था। दिल्ली के सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक राष्ट्रीय राजधानी को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को एक डायरेक्शन दी थी और यूआईआरबी को, अपर रिवर यमुना बोर्ड को, भाई अपर रिवर यमुना बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे और उस पानी को मैयर करेंगे जो हिमाचल दिल्ली के लिए छोड़ेगा, और यदि वो पानी मिलता है तो उसको हरियाणा दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर के लिए छोड़ देगा। पर वो अपर रिवर यमुना बोर्ड के मेंबर्स यहाँ 3 दिन रुके, पर ऐसा कोई भी हिमाचल ने पानी रिलीज नहीं किया जो कि पोंटा साहिब पे हरियाणा को एक्स्ट्रा सप्लाई मिलता। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल की तरफ से छोड़ा गया 137 क्यूसेक पानी अभी तक दिल्ली को नहीं मिला है। भाजपा को अपनी नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 137 क्यूसेक दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का फैसला दिया। हिमाचल प्रदेश भी ये पानी दिल्ली को देना चाहता है। बस हरियाणा सरकार को इतना करना है कि जो पानी हथनी कुंड बराज, हरियाणा होते हुए हथनी कुंड बराज से दिल्ली आता है, उसको हथनी कुंड बराज में छोड़े ताकि यहाँ वजीराबाद बराज में पहुंच जाए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को अपने सहयोगी सौरभ भारद्वाज के साथ पानी के मुद्दे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात भी की। क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 MGD ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। एलजी ने कोई आश्वासन तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार से राजधानी के लिए पानी छोड़ने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि हिमाचल से एक्स्ट्रा पानी जो है वो दिल्ली को दिया जाए, लेकिन आज हरियाणा सरकार उस पानी को रोकने का काम कर रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप गंदी राजनीति मत करिए, दिल्ली के हक और अधिकारों का पानी मत रोकिए, दिल्ली के लोगों का प्यासा मत मारिए। दिल्ली के लोग आपको भी वोट देते हैं, बीजेपी को भी वोट देते हैं, दिल्ली के अंदर सारी केंद्रीय एजेंसीज भी हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली के हक का पानी रोकने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत दुखद है। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में कई बार हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत बनी हुई है।